असम के 33 जिलों में बाढ़ से हाहाकार है। तमाम छोटी बड़ी नदियां उफान पर है। अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें दो पुलिस वाले शामिल हैं। वहीं दो बच्चे भी सैलाब में बह गए। दोनों की तस्वीर उनके ही दोस्त के मोबाइल फोन के कैमरे में कैद हो गई। असम में बाढ़ से हाहाकार मचा है। नौगांव के कामरूप में कोपिली नदी खतरे निशान से बहुत ऊपर बह रही है। ब्रह्मपुत्र, बेकी, मानस जैसी सारी नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान को पार कर तबाही मचा रही हैं। सैलाब 43 लाख लोगों को बेघर कर चुका है। असम के 33 जिले और 5000 से ज्यादा गांव बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। इन सबके बीच असम के रंगिया से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। वीडियो में दो छात्र लहरों को पार करते दिख रहे हैं। इनका तीसरा साथी वीडियो बना रहा है। दोनों छात्र आगे बढ़ते जा रहे हैं और करंट तेज होता जा रहा है। दोनों के हाथों में डंडा है ताकि वो पानी की गहराई नाप सके। अब तक हंसी मजाक चल रहा है, मगर कुछ ही देर बाद वीडियो फ्रिज हो जाता है और चीख पुकार मच जाती है। दरअसल इन्हें बहता देखकर इनके साथी के होश उड़ गए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहने वाले दोनों छात्रों का नाम हिमांशु दास और जुमन दास बताया जा रहा है। दोनों 10वीं के छात्र थे। रंगिया के चर्च स्कूल के पास दोनों बह गए और अब तक उनका पता नहीं चला है। रेस्क्यू टीम को भी उनका कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसी ही दर्दनाक घटना असम के नौगांव जिले से सामने आई है। इस रेस्क्यू टीम को कई घंटे बाद कामरू पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज समज्वल काकोटी का शव मिला है। दरअसल ये हादसा उस वक्त हुआ जब काकोटी के नेतृत्व में कामरू पुलिस स्टेशन की टीम रविवार रात को एक अपराधी की धरपकड़ के लिए निकली थी। इस ऑपरेशन के दौरान एक सिपाही बाढ़डोलाई बाढ़ की तेज लहरों में बहने लगा। उसे बचाने के लिए ऑफिसर इंचार्ज काकोटी फौरन पानी में कूद गए, मगर बहाव इतना तेज था कि वो उन्हें भी बहा ले गया। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पूरी रात चले ऑपरेशन के बाद दोनों के शव बरामद किए गए। असम में बाढ़ से हालात इतने गंभीर हैं कि सेना, अर्धसैनिक बलों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर सर्विस के साथ राज्य पुलिस और प्रशासन के साथ वॉलंटियर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। बक्सा में सेना की एक टीम ने बाढ़ में फंसी एक बुजुर्ग महिला को बचाया। प्रशासन की ओर से जानकारी मिलने के बाद सेना की टीम इस गांव में पहुंची। बुजुर्ग महिला को पूरे एहतियात के साथ बाहर निकाला। असम में कुल मिलाकर 744 राहत शिविर बनाए गए हैं। इनमें 186,000 लोगों ने शरण ले रखी है। बाढ़ में डूबे गाँव के लोग या तो इन राहत शिविरों में रह रहे हैं या हाईवे पर दिन गुजार रहे हैं। 3 फीट 4 फीट ऐसे हाईवे के ऊपर में तो 2 फीट करके है। हमारे घर में तो हम घुस नहीं सकते, घर में जा नहीं सकते। हम सब कैंप उठा के हाईवे पे कैंप लगा दिया है। अभी 5-6 दिन हो गया गांव में। बहुत परिस्थिति बहुत गंभीर है। अभी गांव का आदमी सड़क में आने के लिए बहुत रेडी है और पूरा रास्ता में पूरा भरा हुआ, उधर भी पूरा भरा हुआ है। असम में बारिश लगातार जारी है जिससे नदियों का स्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में गाँव में जैसे तैसे दिन गुजार रहे लोगों के सामने भी पलायन के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। पल्लव कुमार बोरा, गुवाहाटी, आज तक। विभीषिका झेल रहे असम में 700 से ज्यादा इस समय राहत शिविर बनाए गए हैं। लोअर असम की अगर बात करें तो बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही यही मचाई है। हजारों एकड़ में जो फसल लगी थी वो पूरी तरह से तबाह हो गई है।
ये पानी में डूबे असम की तबाही की तस्वीरें हैं। ये बाढ़ से बेहाल लोगों के संघर्ष की तस्वीरें हैं। यहाँ तक नजर जाएगी, पूरा इलाका पानी में समा चुका है, घर बार तबाह हो चुके हैं, सड़कें डूब चुकी हैं, रास्ते नदियों में बदल गए हैं और लोग सुरक्षित इलाकों की तलाश में पलायन करने को मजबूर हैं। असम के होजई इलाके की ये तस्वीरें देखिए, ट्रेन यातायात ठप है क्योंकि बाढ़ के पानी से रेलवे ट्रैक डूबने के कगार पर है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि पानी की तेज धार की वजह से मिट्टी का कटाव शुरू हो चुका है, यानी कई दिनों तक यहाँ ट्रेनों का आना जाना बंद रहने वाला है। अब होजई के रिहायशी इलाकों का हाल भी देखिए, घरों के अंदर पानी भरा है, लोग किसी तरह घर का सामान और जिंदगी बचाने की कोशिश में जुटे हैं। बाहर निकलना आसान नहीं, कोई केले के पेड़ से नाव बना रहा है। इस बुजुर्ग महिला को देखिए, शेल्टर के लिए एस्बेस्टस की शीट लेकर जा रही है। नुकसान हुआ, अभी इस गांव में जनसंख्या 6-7 thousand है और यहाँ में पानी ज़्यादा हुआ, एक ककाल से एक बुक हुआ और यहाँ में जो नाव का कोई व्यवस्था नहीं। असम में इस वक्त जिधर देखिए यही हाल है। बरपेटा में नदी के किनारे वाले घर पानी के साथ बह गए, पानी में घिरे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए इस तरह रस्सियों से निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें बहुत डराने और परेशान करने वाली हैं। बाढ़ की वजह से यही असम की सच्चाई है। लगातार बारिश और बढ़ते पानी की वजह से इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत जोखिम। लेकिन भारत भूटान बॉर्डर पर बने इस गांव से करीब 100 लोग SDRF की टीम ने सुरक्षित निकाल लिए। अब असम के कामरूप जिले का हाल देखिए, एक हाथ में बच्चा और दूसरे हाथ में घर की पूरी गृहस्थी। घर पानी में डूब चुका है, अब कुछ सामान लेकर ये लोग जिंदगी की तलाश में पलायन कर रहे हैं। किसी के सिर पर गठरी, किसी के सिर पर चौकी, कोई साइकिल तो कोई बाइक पर, सब ऊंची सड़क तक पहुंचने की कोशिश में हैं। घर से निकले तो खाएंगे क्या, जिंदगी बचाने के बाद सैलाब के बीच भूख की आग बुझाने की भी चुनौती है। इसलिए ये छोटा बच्चा सिलेंडर सांस लेकर जा रहा है, किसी को पता नहीं कि उसकी जिंदगी कब तक सुरक्षित है। बहुत हो गया, इसीलिए हम कैसे रहेंगे हम नहीं समझ गया। जब लोग आया सब लोग पानी में डूब गया है, क्या करूं क्या न करूं, हमारा माथा खराब हो गया, इसलिए आप लोग क्या करूं, ऐसा हो गया ना। हमेशा बारिश हो रहा है इसलिए पानी बहुत भर रहा है, जो स्कूल कॉलेज है और नद नदी भी भर रहा है। स्कूल कॉलेज बंद हो गया है, गाड़ी मोटर चलने के लिए रोड भी क्लोज हो गया है। असम में गाँव के गाँव बाढ़ में समा गए हैं और शहर पानी से घिरे हुए हैं। ये असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी की तस्वीर है, जहां लोग नाव के जरिए सुरक्षित इलाकों की तलाश में हैं। पानी के लिए सबका लोग का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई निकल नहीं सकता है, कोई ऑफिस नहीं जा सकता है। वो हम लोग का ये दुकान है, पूरा पानी ही पानी है, अंदर में घुस के बहुत सामान खराब हो गया, फ्रिज वगैरह सब खराब हो गया। इसलिए हम क्या उपाय है, मेरा पान का पत्ता भी खराब हो रहा है, इसलिए हम निकल के आया है। असम के 32 जिले इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 31 लाख लोग इस वक्त सैलाब का संकट झेल रहे हैं। बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इन नदियों का पानी असम के 4,200 से ज्यादा गांव तक पहुंच चुका है। हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो चुकी है। प्रशासन का दावा है कि राहत शिविर बनाए गए हैं, लेकिन बहुत से लोग अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहते। सेना, NDRF, SDRF रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है, लेकिन जब तक बारिश नहीं रुकती और बाढ़ का पानी नहीं उतरता, तब तक इन लोगों की समस्या कम नहीं होने वाली। बोंगई गांव से विकास शर्मा के साथ पल्लव कुमार बोरा, गुवाहाटी आज तक।